देखिए, आज का हम लोगों का क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। इस थेल्स थ्योरम के अनुसार यदि एक लाइन जो है किसी साइड के पैरेलल यदि हम लोग ड्रॉ करें तो यह लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में बाइसेक्ट करती है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इट बाइसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग गिवन की बात कर दें। गिवन में एबीसी एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल एबीसी पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, ऐसा हम लोग को ये दिया हुआ है। आरटीपी क्या है, क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि AP by PB इज इक्वल टू AQ by QC। ये प्रूव करना है। किसी भी प्रूविंग में थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है कंस्ट्रक्शंस के पोर्शन होते हैं। अब इसमें जैसे हम कहें कि APQ ट्रायंगल में एक जो है लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें EL, और इधर से एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसको जो है हम लोग ज्वाइन कर दें। कंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्शंस में ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन AQ, QL परपेंडिकुलर ऑन AP एंड ऑल्सो ज्वाइन BQ एंड PC, इसको भी ज्वाइन कर दिए। अब चलते हैं जरा हम लोग काम वाली बात करें, हाउ टू प्रूव, इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, जैसे यदि हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, यदि इस ट्राइंगल के एरिया की बात करें, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर हमको यहां पे ऐसे ड्रा करना होगा। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AL। इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। यदि ट्राइंगल कुछ इस तरह का बना दे तो इस ट्राइंगल के लिए एक परपेंडिकुलर ऐसे हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए ये AM है तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू BC, बेस हमारा BC है और हाइट है AM। तो चलते हैं, यदि हम APQ का एरिया निकालें और AP को बेस मान लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, AP को बेस मान रहे हैं तो क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस AP इंटू इस बेस पर परपेंडिकुलर है QL और उसी तरह से यदि हम एरिया निकाल लें इसका ट्राइंगल PBQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ दैट इज इक्वल टू 1/2, बेस हमारा PB है इंटू इस बेस पर ये परपेंडिकुलर है QL, दोनों का रेशियो निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू, इसमें इसका डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा, QL से QL कटेगा तो AP बाई PB आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अच्छा, यदि हम APQ का ही एरिया AQ बेस मान करके करें, अगेन एरिया ऑफ
ए पी क्यू, ए क्यू बेस मान करके, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए क्यू इंटू पी एम, और पी क्यू सी का एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू सी इंटू पी एम। यदि इन दोनों का रेशियो निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, ये कट जाएगा ये कटेगा, ए क्यू बाई क्यू सी। एक चीज और, हम लोग क्लास नाइन्थ के सिलेबस में एक बात पढ़े थे कि यदि एक सेम बेस पर यदि दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो दोनों के एरिया सेम होंगे, यानी पी क्यू बी का एरिया और पी क्यू सी का एरिया सेम होगा। सिंस सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू सी, जब ये सेम होगा तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये लिख सकते हैं ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। दिस इज कॉल्ड थैल्स थ्योरम। दैट मीन्स इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इट बाइसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो।